नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में फोराकोड 200 इनहेलर के बारे में। देखेंगे भाई ये क्यों दिया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, कितने दिन तक लेना चाहिए, दिन में कितनी बार ले सकते हैं, डोज क्या होती है, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, फोराकोड एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। ये 3-4 स्ट्रेंथ में मिलता है, 100 माइक्रोग्राम और 200, 400 और 400। ठीक है दोस्तों, ये माइक्रोग्राम में आता है यानी MCG। तो अभी जो बात कर रहे हैं फोराकोड 200 MCG प्राइस की बात, तो करीब करीब आपको 400 रुपए के आसपास मिल जाता है। लगभग पूरे इंडिया में हर दवाई की दुकान पर ये मिल जाता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ज्यादातर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं सिप्ला के प्रोडक्ट को, तो इजिली अवेलेबल होता है। दोस्तों इसके अंदर 120 डोज आती है। इसके अंदर जब आप एक बार पंप करते हो तो एक डोज कैलकुलेट होती है। इसके अंदर डोज मीटर भी आता है जिसमें पता चल जाता है कि कितना बचा है कितना नहीं बचा। बात करते हैं भाई क्यों दिया जाता है, कहां पर काम आता है। तो देखिए ये अस्थमा की प्रॉब्लम है और COPD की प्रॉब्लम में काम आता है। अगर व्यक्ति को अस्थमा बन रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, व्यक्ति को कफ बन रहा है, खांसी है, तो वहां दिया जाता है। या दोस्तों COPD की प्रॉब्लम है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दोस्तों ये एक तरह का लंग्स डिजीज होता है। इसके अंदर जो लंग्स के एयरवेज होते हैं यानी वायु का आदान प्रदान होता है, उसमें रुकावट आ जाती है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुकस सा जमने लगता है, छाती में कफ सा जमने लगता है, या कह सकते हैं कि जो फेफड़ों की थैलियां होती है उसमें सूजन आ जाता है, जो श्वास नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है। कुछ केमिकल मैसेंजर के कारण भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण सूजन बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है। तो वहां पर यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये काम आता है। ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम में, खांसी की प्रॉब्लम में, श्वास लेने में अगर दिक्कत आ रही है उस प्रॉब्लम में और लंग्स से जुड़ी प्रॉब्लम में ये काम आता है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करता है, कितनी जल्दी काम करता है और कितनी देर में ये काम करता है और कितना लेना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 2 सॉल्ट आते हैं, पहला है फॉर्मोटिरोल 6 MCG यानी 6 माइक्रोग्राम और दूसरा है बुटिसोनाइड 200 MCG यानी 200 माइक्रोग्राम। दोस्तों फॉर्मोटिरोल एक ब्रोंको डायलेटर होता है जो लंबे समय तक मांसपेशियों को रिलैक्स कर काम करता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिन मांसपेशियों में सूजन है उसको रिलैक्स करता है, साथ ही साथ वायु मार्ग को भी चौड़ा करता है जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती और प्रॉपर ऑक्सीजन मात्रा की ऑक्सीजन का लेवल आसानी से आ जा सके। दोस्तों बुटिसोनाइड एक एस्टेरॉइड होता है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके काम करता है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ रही है, श्वास नली में सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, खांसी को भी कम करता है, तो वहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाता है। बात करते हैं भाई ये कितने देर में काम करता है। देखिए दोस्तों ये तुरंत काम करता है, जैसे अगर आपको लग के कि टाइटनेस है, ब्रीथिंग करने में दिक्कत आ रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप इसकी डोज ले सकते हैं। अंडर 10 मिनट में ये कामना काम शुरू कर देती है, लेकिन आपको कभी भी डोज लेनी पड़े तो उसके कुछ देर बाद आपको पानी का कुल्ला, जिसको हम गरारे कहते हैं, पानी की गरारे जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या कि इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है, गला खराब रह सकता है। तो कभी भी यूज करें तो 5-10 मिनट के बाद आपको गरारे जरूर करनी चाहिए, नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा गरारे करने के बाद आप बाहर पानी को डाल दीजिएगा। बात करें डोज के बारे में, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े आप कर सकते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, और अपने डॉक्टर के हिसाब से ही करना चाहिए, डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। दोस्तों ये कोई आदत नहीं पड़ती, कभी भी आपको दिक्कत हो तो आप यूज कर सकते हैं, लगातार 2-3 दिन यूज करने के बाद भी आप इसको बंद कर सकते हैं, फिर अगर प्रॉब्लम हो तो आप फिर यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसकी कुछ सावधानियां हैं कि कभी भी सेल्फ यूज नहीं किया जाता, हमेशा अपने साथ ही रखा जाता है, कभी भी आपको ट्रेवलिंग करना पड़े या कहीं पर जाना पड़े तो इसका यूज अपने, चाहे आप करो ना करो, लेकिन अपने साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अटैक वगैरह आ सकते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंदर ये आती है, तो आपको आना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस में होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, उल्टी सी वगैरह, जी घबराना ये हो सकता है, या पेट में कोई दर्द वगैरह हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, आपको अगर इस वीडियो से फर्क पड़ता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आप तक ये वीडियो पहुंचाने में फर्क